हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के संबंध। ठीक है, तो जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात है बच्चों, तो ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर लिख रखे हैं। तो देयर आर फाइव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट, ब्रायोफाइट के कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनका यूज किस फॉर्म में करते हैं, फूड के फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये हर्बेसियस नेचर वाले होते हैं, तो जो हार्बिवोर एनिमल्स होंगे उनको एज अ फूड के फॉर्म में ये यूज में लाया जाता है। सेकंड, रूल के फॉर्म में यूज में लाया जाता है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर एग्जांपल होता है जिसका यूज फ्यूल के फॉर्म में या फिर पीट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो ब्रायोफाइट्स स्पेशली स्पेग्नम की बात कर रहे हैं, तो उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से जो लाइन रसिल के प्लांट्स होते हैं उनको रैप करके शिपमेंट किया जाता है वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस पर। वहीं पे मॉसेस जैसे ब्रायोफाइट्स लाइकिंग के साथ रॉक की सरफेस पर जब कॉलोनी बनाते हैं और जब इनकी एजिंग हो जाती है तो क्या होता है, रॉक की सरफेस डिकम्पोज होने लगती है। और जब डिकम्पोज होता है तो रॉक की सरफेस पर एक सॉइल लेयर बन जाता है, जिससे होता यह है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनपे एक बेटर एनवायरमेंट मिल जाता है सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। लास्ट में अगर बात करते हैं तो मॉसेस ग्रो करते हैं डेंस मैट के फॉर्म में, जिससे ये रिड्यूस कर देते हैं रेनफॉल के इम्पैक्ट को और साथ ही सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करते हैं। या कुछ हम ऐसा भी कह सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना मॉसेस का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है जब वे डेंस मैट के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना, तो होप करता हूं कि आपको ब्रायोफाइट का ये जो सिग्निफिकेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इससे बेहतर वीडियोस इन फ्यूचर में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।